नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। यूपी के बुलंदशहर में आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब हत्या प्रदेश बन चुका है। यहां लूट, हत्या और बलात्कार आम बात हो चुकी है। जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम है और कल ही मेरठ, लखनऊ टू झांसी आदि में हत्या लूट की वारदातें हुई हैं और यहाँ पर बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अभी कल ही मेरठ में हत्या हुई, लखनऊ में हत्या हुई, मऊ में हत्या होती है, झांसी में हत्या होती है। रोज उत्तर प्रदेश में अगर पेपर की सुर्खियों में देखें तो रोज हत्या का प्रदेश बना हुआ है। लूट, हत्या, इस उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है महिलाओं के बलात्कार की घटना में। कमलेश तिवारी की जो हत्या करने हत्यारे आए थे, भगवा कलर के कपड़े पहने हुए थे, इस पर आपकी कोई टिप्पणी है? नहीं, देखिए, हत्यारा न किसी जाति का होता है न धर्म का होता है, वह हत्यारा है। सरकार को तत्काल चाहिए था कि पीड़ित परिजन जो लगातार गुहार कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उसके खिलाफ उसके आधार पर कार्रवाई करने का। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों की संरक्षण दाता बनी है और निश्चित हम सब कांग्रेस जन आंदोलन मजबूत करने के लिए क्या कर रही है? तक लगातार हम संघर्ष की आवाज बनेंगे, किसानों की आवाज बनेंगे, नौजवानों की आवाज बनेंगे। नागौर जिले की कुचामन सिटी पुलिस थाना के सीओ अपने स्टाफ के साथ स्कूलों में पहुंचे और विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी और विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना करके देश के जिम्मेदार नागरिक बनने का आग्रह किया है। इस दौरान विद्यार्थियों को यातायात नियमों के लिए जागरूक किया गया। यातायात प्रबंधन को लेकर के आज जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये कौन से मिशन के तहत है? ये सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक जागरूकता कार्यक्रम है जिसमें अवेयर किया जाता है कि दुर्घटनाओं की रोकथाम कैसे हो सकती है। उस परिप्रेक्ष्य में बालकों, जीप चालकों और लोगों को अवेयर किया जाता है कि वो हेलमेट का प्रयोग करें या सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम लग सके। उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम केवल आप स्कूलों और कॉलेजों में ही कर पाएंगे या इसको शिविरों तक या आम नागरिक तक और भी कई विधियां होगी जिसको पहुंचाए जाने का तरीका आपके पास में होगा? नहीं, ये ऐसा नहीं है, स्कूल कॉलेज और इनमें ही नहीं है। जैसे विभिन्न कस्बों में जो जीप चालक होते हैं, बड़ी संख्या में जो व्यावसायिक जीपें चलती है, उनके चालकों को भी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जोड़ा गया है और उनको दस्तावेज साथ में रखने और यातायात परिचालन के बारे में सामान्य निर्देशों का पालन करने के लिए उनको भी जागरूक किया गया है। उनको भी समय समय पर इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और उनकी मीटिंग ली जाती है। जैसे कि आज आपने विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी, तो कौन से बड़े नियम होने चाहिए, मेजर तौर पर दो चार नियम ऐसे बताएं जिनको विशेषकर विद्यार्थियों के लिए हो? विद्यार्थियों के लिए तो यही है कि वो गाड़ी तेज गति में नहीं चलाएं और गाड़ी नहीं चलाएं तो कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखें और भीड़ भाड़ भरे इलाकों में यातायात नियमों का पालन करें। मोटे तौर पर यही है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि वो रेसर्स के रूप में या टीवी और इनके प्रोग्रामों से अगर वो तेज गति से बाइकर चलाते हैं तो उसे एक्सीडेंट हो जाता है। युवा वर्ग में ये क्रेज भी है, इसलिए उनको इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आज आपके विद्यालय में ये सुरक्षा सप्ताह के दौरान ये पुलिस अधिकारी वगैरह, पुलिस कर्मचारी वगैरह यहाँ पे आए, बच्चों को गाइडलाइन किया, क्या इसका प्रॉफिट मिल पाएगा क्या बच्चों को? इसमें से फर्क तो पड़ता ही है, जो पुलिस प्रशासन जो जागरूक होकर काम करता है इससे अवेयरनेस आती है और विद्यार्थियों को जो टिप्स दिए जाते हैं या जो गाइडेंस दी जाती है, निश्चित रूप से ये फायदेमंद है। और भी जैसे पैम्पलेट्स बना करके, पैम्पलेट्स अखबारों के माध्यम से और दूसरा शिविर लगा करके और जो युवा हैं उनको थोड़ा सा और भी गाइड किया जा सकता है। जैसे शहर के मुख्य मुख्य स्थान हैं उन पर इस तरह का पब्लिकेशन हो तो इसका और ज़्यादा फायदा मिल सकता है। जैसा कि आप अच्छे शिक्षाविद भी हैं, 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपका एक नाम है शिक्षा के क्षेत्र में, और आप इस तरीके के कुछ उपाय सुझाएंगे क्या बच्चों के लिए जिनसे जो विद्यार्थी हैं उनकी ज़्यादा जो एक्सीडेंट वाली प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके? इसमें मेरा सुझाव ये है कि अभिभावक जो है उनका भी थोड़ा सा दायित्व और धर्म बनता है कि जो चाइल्ड हैं, जो माइनर हैं, वयस्क नहीं है, उनको इस तरह की साधन जो दिए जाते हैं उस पर पाबंदी लगे। दूसरा, पुलिस प्रशासन से भी मेरा ये आग्रह और अनुरोध हमेशा रहता है
कि चालान तो काटो, पर चालान के साथ साथ जैसे मान लीजिए जो बच्चे हैं या जो बच्चे नहीं हैं बड़े हैं, उनको जो चालान का चार्ज दिया जा रहा है उसके बदले हेलमेट और इस तरह के सेफ्टी फीचर्स अगर विभाग की तरफ से भी दिए जाएं तो आगे थोड़ा सा ये घटनाएं कम होंगी और निश्चित रूप से इसका अच्छा लाभ मिल सकता है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर गार्ड की फायरिंग में गुरुवार को शहीद हुए सीमा सुरक्षा बल के 52 वर्षीय हेड कांस्टेबल विजय भान सिंह यादव का पार्थिव शरीर शनिवार को शाम 4 बजे फिरोजाबाद में उनके पैतृक गांव चमरौली में पहुंचा, जहां उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा परिजन, रिश्तेदार और राजनेता भी मौजूद रहे। और ये बात चलो आज की नहीं है, करवा चौथ के दिन ही हमने त्यौहार था, उस त्यौहार के अवसर पर पेपर के माध्यम से ये पता चला कि एक हमारा जो प्रधान भाई है उसको बांग्लादेश के जो आर्मी सैनिक थे उन्होंने गोली मारी मतलब कर आए। 2 दिन से हम वास्तव में चिंतित थे कि हमारा ब्रजवान भाई जो वीर था हमारे लिए, आज हमारा भाई हमारे पास नहीं। पूरा गांव उस भाई के लिए, सभी आसपास के गांव के नौजवान भाई बहन बुजुर्ग इवन छोटे छोटे बच्चे भी इस उम्मीद के साथ यहां एकत्रित हुए हैं कि हम अपने भाई को अंतिम समय में देखें। पार्टी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी भी उपस्थित हैं यहाँ पर, और सरकार की तरफ से भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 लाख रुपया मृतक जो भाई है हमारा, शहीद भाई है, उस शहीद भाई के परिवार के लिए, और 5 लाख रुपया जो शहीद भाई है हमारा उनकी माता जी के लिए सरकार ने सोचा है, और वो बहुत जल्दी आज या कल में वो पैसा मिल जाएगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। और उपस्थिति यहाँ इसलिए भी बहुत अनिवार्य है कि उस परिवार में हम उस परिवार की शांति के लिए, उस परिवार की खुशहाली के लिए, उस परिवार को धैर्य मिले, यहाँ इसलिए भी सारे लोग उपस्थित हैं। दातागंज कोतवाली परिसर में बदायूं जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी द्वारा समाधान दिवस के अवसर पर जन समस्याएं सुनकर शिकायतों का तत्काल निस्तारण हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर उप जिलाधिकारी कुंवर बहादुर सिंह, क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी भूपराम वर्मा, राजस्व कर्मचारी के साथ पुलिस कर्मचारी भी मौजूद रहे। ग्वालियर में रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट और रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से युवाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 45 यूनिट रक्तदान किया गया है, साथ ही सभी को भेंट स्वरूप पौधा देकर वृक्षारोपण का संदेश भी दिया गया। इस शिविर में युवाओं ने न केवल रक्तदान किया बल्कि कई अन्य युवाओं तक भी ये संदेश दिया है कि रक्तदान करने से खुशी मिलती है और रक्तदान एक ऐसा दान है जो किसी जरूरतमंद के जीवन को बचा भी सकता है। क्या नाम है आपका? नरेश शर्मा। ये आपने आज पहली बार रक्तदान किया है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, ये रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है और ये सभी को करना चाहिए। ये हेल्थी मैन 350 ml कुछ बड़ी बात नहीं है, दे सकता है और सभी को देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा दान है और दानों का सबसे बड़ा दान ब्लड डोनेशन ही होता है। इससे आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, किसी व्यक्ति को इससे बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव मैं आज पर कर रहा हूँ। आज मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड दिया और आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ब्लड देते। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे कई लोग पहली बार रक्तदान करने में थोड़ा डरते हैं, तो बताइए ऐसा कुछ अनुभव हुआ आपको? नो सर, जरा भी सर डर नहीं लगा, जरा भी सर कुछ नहीं लगा। पहली बार दिया सर, बहुत सर अंदर से सर खुशी मिल रही है, बहुत सर अच्छा लगा। क्या मैसेज देंगे आप बाकी युवाओं को? ब्लड देना चाहिए और बहुत अच्छा लगता है ब्लड देते में, किसी को आप कुछ देते हैं ब्लड डोनेशन सबसे अच्छा है और देना भी चाहिए और देते रहना चाहिए। कर्नाटक राज्य के पशुपालन अल्पसंख्यक हज मंत्री श्री प्रभु चौहान ने बिदर शहर के CMC का औचक निरीक्षण किया है। इस अवसर पर कमिश्नर से स्वच्छता के बारे में सवाल किए गए और शहर में घूमकर जनता से मुलाकात की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है।
लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। दरअसल ताजा मामला थाना सरूरपुर क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने से हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश संजीव पकौड़ी को गोली लगी है, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। ये आज की सूचना थी अभी रात की। सरूरपुर थाना क्षेत्र में एक पश्चिमी विभाग का माफिया डॉन संजीव जाट था। ये संजीव जाट और संजीव पकौड़ी दो हत्या इसने की थी ग्राम प्रधान के परिवार जनों की, और जो गवाह थी उसकी हत्या करने आया था, और इस पर 75,000 रुपए का इनाम पिछले 1.5 साल से था। पुलिस टीम को सूचना मिली और उसमें स्वाट सर्विलांस की और थाना पुलिस पहुंची। पुलिस टीम पर इसने फायर किया, एक पुलिसकर्मी को इसने गोली मारी, उसकी बीपी जैकेट में लगी। आत्मरक्षा में पुलिस ने फायर किया जिसमें इसे गोली लगी। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से फिर इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया, यहां लाया गया और अभी इसकी मृत्यु हो गई है। सर, इसमें मेरठ के अलावा कहीं और से भी इनाम था, और कितने मुकदमे हैं? ये अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें बागपत में एक बैंक डकैती हुई थी 10 दिन पहले, उसमें भी इन्वॉल्व था, और इस पे बागपत से भी इनाम था, मेरठ से भी इनाम था पिछले 1.5 साल से। हाँ, इसके कुछ साथी भी थे, क्योंकि भारी मात्रा में वेपन बरामद हुए हैं, कंट्री मेड और ऑटोमेटिक वेपन भी, फैक्ट्री मेड भी बरामद हुए हैं। कुछ लोग इसके साथ हैं जो फरार हुए हैं, उसके लिए कॉम्बिंग चल रही है। पुलिस टीम स्वाट और सर्विलांस की टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं। सर, क्या आज इसने सरूरपुर में किसी पे हमला करने की योजना बनाई थी या कहीं पर हमला करने आया था किसी पर? हाँ, आज ये सरूरपुर में गया था, वहाँ 2 हत्याएं इसने पहले एक परिवार में कर रखी थी। उस परिवार में जो गवाह थी वो ग्राम प्रधान है, उसको मारने आया था, और वहाँ पे पुलिस टीमें लगी हुई थी। जो भी मुखबिर से सूचना मिली थी उसके आधार पर जो इसने फायरिंग की, काउंटर फायरिंग में कार्रवाई हुई है। थैंक यू।